ओके गुड मॉर्निंग ऑल समस्त स्वागत ओडिया विद्यालय रे गोटे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रे डिस्कशन करिबा मैट्रिक प्लस टू प्लस थ्री पर बहुत पिलांकर ये डाउट था कि आम कौ पाठ पढ़ू कि पढ़ले आमको गोटे भल सिक्योर सरकार चाकरी मिल ओके बहुत टेंशन था पिला हो बापमा हो मु चेष्टा करूँ समस्त अलग अलग कह मैट्रिक पर कौन प्लस टू पर कौन प्लस थ्री पर कौन जेनेली जॉब थाए कौ कौ पाठ से जॉब मिले मुझे चेष्टा करी काटागोरी ये जिनस ठीक ठाक कहवापाई ओके आसतु फास्ट तुमको कह टेन्थ क्लास पर जेनेली कौ कौ चाकरी एभेलेबुल कौन कौन पाठ दरकार केमी प्रिपेरेसन दरकार ओके देखो मु चेष्टा करी जिनस कभर करने बट सब जिनस तो पसिबुल नुह बट चेष्टा करी मोस्ट अफ द जिन कभर करने ओडिशा गवर्नमेंट जेनेल बाहर कनेस्टेबल जब ताप जेनेली टेन्थ नौकरी होमगार्ड बाहर पुलिस डिपार्टमेंट नौकरी आसीस्टाट विभिन्न प्रकार पदवी से बाहर आसीस्टाट पोस्ट गुड़ा से गुड़ा भी टेन्थ पर पिला दशम श्रेणी पर पिला ओके इंडियन आर्मी विभिन्न प्रकार स्टोर कीपर ओके तो एम छोट टाइप पोस्ट जेनेल थाए तो ताकू भी नि इंडियन नेवी रे भी बार बार होगा कोक होगा विभिन्न प्रकार पोस्ट थाए से भी नेवी रे नि ओके देन रेलवे कथा जी कह रेलवे ग्रुप डी जो थाए तो ग्रुप डी बहुत प्रकार पोस्ट थाए तो सेगुड़ा भी नि टेन्थ पर देन पोस्टाल जो चिठी बांटा अलग प्रकार पोस्टाल थाए तो से बेले बेले बाहर टेन्थ पिला देन सीआईएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बहुत इंपोर्टेंट फोर्स सब जो बड़ बड़ कंपनी मानक पीएसयू मानक जगती है ओके से भी जनरली टेन्थ पर पिला जाए ओके बड़ जिनस तो यू नो ऑप्शन इज देयर टू ग्रो विथ द इंटरनल एग्जाम बहुत पिलांकर ये मेंटालिटी थाए कि ना मुझे दशम पर चली जी मे भी मो करियर खराब हो उपरूपन जापर बट ऑनेस्टली गोटे कथा कहूँ जो मैंने पाठ पढ़ी अधिका ग्रेजुएशन कि पोस्ट ग्रेजुएशन करुलन निश्चित आपत स्पीड्रे जापरेंगे ना बट स्टिल सब ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट रे तो इंटरनल एग्जाम हुए बट जी से आपने भी कंप्लीट करेंगे चेष्टा करा जाए आपको भल पोस्ट दवापाई से अनुसार धीरे धीरे आगे जावाई ता सहित आपड़ चाहिए भी डिस्टेंस रे विभिन्न प्रकार इग्नू जमी अच्छी तो से भाई अलग भी डिस्टेंस रे अच्छी आप प्लस टू प्लस थ्री पोस्ट ग्रेजुएशन करें कि भी आगे आगे जापर परीक्षा देक ओके बट प्रमोशन विल बी स्लो फ्रॉम द अदर्स अदर्स इन द सेंस कौन जी मन पीएचडी करके कि पोस्ट ग्रेजुएट करके पोस्ट रे आपड़ से ही पोस्ट रे जाती डेफिनेटली आगे प्रमोशन मिल कम मिले कहीं आप पढ़ा कम रही ओके फर दैट सिलेबस विल बी यू चाकरी सिलेबस जेनेली कौन रखा जाए जेनेल नलेज रखा जाए साधारण ज्ञान रु क्वेश्चन आसे मैथमेटिक्स रु क्वेश्चन आसे मैथ हो गला आप इंग्लीश रु क्वेश्चन आसे आउ बाकी विभिन्न प्रकार जो पुलिस फुलिस होगा ग्रुप डी होगा एगुटा सब फिजिकाल देखती आपत काम करें दौड़ पारे से सब अनुसार देखते हैं तेणु जो प्रिपेरेसन हे आप कौ जब पर्टिकुला प्रिपेरेसन होता कौन कौन दरकार भाविया दरकार ओके ना बेले बेले कौन हुए ना पोस्ट रिलेटेड कथा से अनुसार सिलेबस डिक्लेयर कर दिए सरकार आपके पढ़ाक पड़ो ओके आम जा प्लस टू पिला प्लस टू पिला एक्जाक्टली जो टेन्थ जी भी रहा तो से गुड़ाक हो पार समस्त प्लस टू पर कहीं तलिया पोस्ट आप सब पकई पारे बट ऊपरटा पकई पारे आप मनकर ग्रेजुएशन थी प्लस टू पिला पकई पारे बट टेन्थ अच्छी मैंने से प्लस टू पिला निश्चित पकई पारे एक्स्ट्रा किसी जब ए मिले एनडीए नेशनल डिफेन्स एकाडेमी तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मल्टीटास्किंग बाहर देन आरआरबी रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड से आसे आर्मी रे आसे नेवी रे आसे इंडियान कोस्ट गार्ड मैंने तटरक्षाकारी ओके से भी आप पोस्ट आसे देन इंडियान एयरफोर्स एथरे जनरल टेक्निकल नॉन टेक्निकल साइंस बैकग्राउंड और नॉन साइंस बैकग्राउंड भी निया जाए ओके डिपेंड करछि को भलिया पोस्ट अनाउंसमेंट हो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एथरे भी निया जाए देन बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड एथरे भी टीटी रेलवे हो गला से गुडा भी जनरल प्लस टू नौ पुलिस किसी पोस्ट अच्छी से भी प्लस टू पर नौ भी विभिन्न प्रकार अलग टाइम अनाउंसमेंट हुए तो से गुड़ा देखा पड़ो आप चेक करा पड़ो कि प्लस टू कौटा अच्छी ओके सिलेबस एज पर द एग्जाम अप टू द प्लस टू एंड सम ऑफ द फिजिकल फिटनेस जो एग्जाम से मानकर पुलिस एग्जाम से रिटेन तो रही है बट रिटेन ठार आहरी इंपोर्टेंट रहे आपको फिजिकल फिटनेस दौड़ा रोह हाइट रोह चेस्ट रोह ये सब जिन रो तेणु पर्टिकुलर एग्जाम ही आप डिपेंड करेंगे कौ प्रकार सिलेबस आपको रहा दरकार ओके फिजिकाल कैसे रिटेन कैसे ओके प्रमोशनल बेस्ट एग्जाम जमी टेन्थ रही एटा भी सेमती प्रमोशन प्लस टू पढ़ी पलिंट आप कंटिन्यू करुँच पाठपढ़ ना से रही तो प्रमोशन आप एग्जाम हम इंटरनाली से आप परीक्षा देखिए आगे जापर
ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ଆମକୁ ମିଡିଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜବ୍ ବା ମଝି ଲେଭେଲରେ ଓକେ ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭାରତ ସରକାରରେ କିମ୍ବା କେଉଁ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ 90% ଯେଉଁ ଚାକିରି ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବାକି ଯେଉଁ 10% ମୁଁ କଥା କାହିଁକି କହୁନି ନା ସେଇଟା ହାଇଲି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜବ୍ ତା ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର କେଉଁ ଜବ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ପରେ ବନେଇବି ଓକେ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ ଦେଖିପାରିବେ ଓକେ ବଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଜବ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ନହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୋଇଗଲା ତ ସବୁ ପ୍ରାୟ 90% ଜବ୍ ଆ ଭିତରେ ଆସିଯିବେ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିଛି କ'ଣ ନା ଆଇଏଏସ୍ ହୋଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚାକିରି ଓକେ ଦେନ୍ ଓଏଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେନ୍ ରେଲୱେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏଏସ୍ୟୁ ଓକେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଦେନ୍ ସିଜିଏଲ୍ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଦେନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଗଲା ସରକାରରେ ଦେନ୍ ପୋଲିସ୍ ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଓକେ ଫରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଖେର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଏଏସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ନେଇଯାଉଛି ବଟ୍ ତଥାପି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କିଛି ଯଦି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ଜେନେରାଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରଖୁଛି ଓକେ ତ ଆମେ କହିକି ଏହା ଚାଲିପାରିବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଜେନେରାଲି ସବୁ ଚାକିରି ଗୁଡ଼ା ଜେନେରାଲ ରହିପାରୁଛି କେତେଟା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଚାକିରି ରହୁନାହିଁ ଓକେ ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ହାଇଲି ସ୍କିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ ଫର୍ ଗେଟିଂ ଦ ଜବ୍ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ସ୍କିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜବ୍ କମ୍ ବାହାରୁଛି ତା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଧିକା ଅଛି ଯେ ସତରେ ଆପଣ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଇଂଲିଶ ହୋଇଗଲା ମ୍ୟାଥ୍ ହୋଇଗଲା ବାକି ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ହୋଇଗଲା ବାକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଯାହା ବି ଦେଉଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି କରିପାରିବେ ଟପ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ସେଥିରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଉପରେ ରହିପାରିବେ କିମ୍ବା ପାଇପାରିବେ ଚାକିରି ଓକେ ସିଲାବସ୍ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ଜବ୍ ବାହାରୁଛି ତା ପାଇଁ ଜେନେରାଲି ଇଏ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେବ ବଟ୍ ଜ୍ୟାଦା ତରଫ ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁ ଆସେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆସେ ଇଂଲିଶ ଆସେ ମ୍ୟାଥ୍ ଆସେ ରିଜୋନିଂ ଆସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ ତ ଏଇ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ପଢ଼ୁଥିବେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ପାଇଁ ବି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ୟେସ୍ ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ୱିକ୍ଲି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାରତ ସରକାରରେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜବ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ସେଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମେନ୍ସନ୍ ହୁଏ ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜବ୍ କ'ଣ ନାହିଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଥିରେ ଓକେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୁଝି ହେଉଥିବ ରଖୁଛି।